माननीय मनोहर लाल खट्टर जी और माननीय नैब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहा है, मैं इनका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं दोनों बहनों से बात कर रहा था, जिस तरह ये इनके मन में हरियाणा के लिए, समाज के लिए काम करने की तड़प है और इन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जो गरीबों के लिए किए जा रहे कार्य हैं, जो सबका साथ सबका विकास की सोच है, जो भारत को विकसित भारत बनाने का जो उनका संकल्प है, ये दोनों और इनके समर्थक प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को सामने रखते हुए, प्रधानमंत्री मोदी जी के गरीबों के लिए किए गए कार्य को सामने रखते हुए देश की तरक्की का जो सपना लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी काम कर रहे हैं, उससे प्रभावित होकर ये आज भाजपा में शामिल हुए हैं। जैसा मनोहर जी ने कहा, नया पुराना कोई नहीं, ये तो वैसे भी पुराने हैं, पुराना साथ है, पुरानी सरकार चलाई है। इनका हार्दिक स्वागत है और हमें पूरा विश्वास है कि ये जो हमारे परिवार में, भारतीय जनता पार्टी के परिवार में एक बहुत बड़ा आज समूह शामिल हुआ है, मैं उसका स्वागत करता हूं और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए, सबका विकास सबका साथ की सोच को आगे बढ़ाने के लिए, विकसित भारत को संकल्प को आगे करने के लिए हम सब लोग मिलकर काम करेंगे और इन्हें उचित सम्मान पार्टी में मिलेगा। मेरा माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री नायब सिंह सैनी जी से भी आग्रह होगा, दो शब्द रखें। आज पार्टी में कांग्रेस की बहुत ही वरिष्ठ नेत्री और राजनीति में जिनका पूरा जीवन और परिवार का पूरा जीवन कांग्रेस को मजबूत करने में लगा है, आज किरण चौधरी जी ने और हमारी बिटिया श्रुति चौधरी जी ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का जो आज निर्णय किया, मैं पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते भी श्रुति चौधरी जी का और किरण चौधरी जी का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं और एक विश्वास दिलाता हूं, प्रदेश के मुखिया के नाते भी, पार्टी के मुखिया के नाते भी, कि किरण चौधरी जी और श्रुति चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी एक परिवार के नाते हम मिलकर के हरियाणा को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। सम्मान बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से, क्योंकि आपके परिवार का जो एक्सपीरियंस है, आपका है, उससे भारतीय जनता पार्टी और मजबूत होगी। आज आप पूरे साथियों के साथ भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है, मैं सभी का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं बहुत सारे चेहरे यहां पर हैं, परंतु बहुत सारे चेहरे जो यहां पहुंचे भी नहीं है, वो अभी बाहर ही है। एक एक बड़ा कार्यक्रम श्रुति चौधरी जी और हमारे किरण चौधरी जी वो करेंगे और सभी को एक मंच के ऊपर ला करके भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता भी हम ग्रहण करेंगे और हरियाणा को भी मजबूत करेंगे। आप सबका जो आज यहां पर भी हैं और जो बाहर भी हैं, मैं किरण चौधरी जी का और श्रुति चौधरी जी का भारतीय जनता पार्टी के
आगमन पर बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं। मेरा विनम्र निवेदन ज्योति चौधरी जी से है कि आपको संबोधित करें। आज मन में बहुत खुशी हो रही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरित होकर जिन्होंने हमारे देश के भलाई के लिए ऐतिहासिक फैसले लिए हैं और उसके कारण पूरे विश्व में भारत का नाम और भी चमकाया है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रेरित होकर और आदरणीय हमारे लीडर मनोहर लाल खट्टर जी से प्रेरणा लेकर आशीर्वाद लेकर उनके कार्य को देखकर कि किस तरीके से ईमानदारी के साथ जैसे चौधरी बंसीलाल ने प्रदेश चलाया था उसी तरीके से उन्होंने वो काम किया। हमारे लिए ये बहुत गर्व की बात है कि स्वयं आदरणीय मनोहर लाल जी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने चौधरी बंसीलाल जी के साथ काम किया है। आज हमारे साथ जो लाखों मेरे भाई बहन जिन्होंने हमारे जीवन के हर पड़ाव में हमारा साथ दिया है, चौधरी बंसीलाल और चौधरी सुरेंद्र सिंह जी के ईमानदार सिद्धांतों पर अपना आप सबने जीवन दिया है, आज उसी तरीके से मेहनत के साथ हम भाजपा में जुड़ रहे हैं ताकि देश और प्रदेश को मजबूती दे सके। इसी के साथ साथ मैं अपने नेतृत्व का, मनोहर लाल खट्टर साहब का, चीफ मिनिस्टर साहब नायब सैनी जी का, यहां पे विराजमान आदरणीय तरुण चुग जी का, मेरे साथ रहे हुए पार्लियामेंट में सुरेंद्र नागर जी का और सारे लीडर्स का इस मौके के लिए बहुत धन्यवाद करती हूं। मेरा आग्रह होगा जनप्रिय नेता किरण चौधरी जी से आपको संबोधित करें। धन्यवाद। बहुत ही करतार बाद में सब बहुत ही आदरणीय और मेरे प्रेरणा स्रोत हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और आज केंद्र के अंदर बहुत ही तेजस्वी हमारे मंत्री, मेरे बड़े भाई या मेरे भाई बड़ी ज्यादा बड़े नहीं है, एक साल ही बड़े हैं फिर भी बड़े भाई का ओहदा है, मनोहर लाल खट्टर जी हमारे बीच में, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और माननीय मुख्यमंत्री जी नायब सैनी जी हमारे बीच में, महामंत्री भाजपा के तरुण चुग साहब हमारे बीच में, हमारे मंत्री संगठन मंत्री नागर साहब जो श्रुति के साथ पार्लियामेंट में भी
दोनों रहे हैं और यहां पर तरुण भंडारी जी जिनका बहुत सहयोग हमारे साथ रहा है, संजय जी, और यहां आए हुए बहुत ही मेरे हर दिल अजीज, मेरे दिल के टुकड़े सभी मेरे कार्यकर्ता गण, आज ये फैसला इसीलिए लिया मैंने, प्रेरित होकर हमारा ये जो नेतृत्व बैठा है इनसे और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जिन्होंने विकसित भारत का एक संकल्प रखा है और ये विकसित भारत का संकल्प जो उन्होंने करा है 2047 तक का, ये आने वाले समय में मुझे पूर्ण विश्वास है कि हिंदुस्तान जो है वो विश्व के अंदर सबसे आगे बढ़कर चमकेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो जनहित के ही नहीं देश हित के जो काम करें उसी के कारण आज तीसरी बार जो ये अपने आप में एक इतिहास है, दिल्ली के अंदर भाजपा की सरकार बनी है और जो है उनके ये काम देखते हुए लोगों ने दोबारा से उनको ये जिम्मेदारी सौंपी है कि विकसित भारत को आगे जो है 2047 तक खूब तेजी से लेकर जाएं। इसी तरह से हमारे मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई मनोहर लाल खट्टर जी, इनके साथ बहुत काम कराया मैंने पिछले 10 साल में। विधानसभा के अंदर बहुत तल्खियां हमारे बीच में होती थी लेकिन मैंने हमेशा देखा कि इतनी सहनशीलता, इतना जबरदस्त पकड़ अपने सभी कार्यों के ऊपर जो इनका रहा है और जिस प्यार और मान सम्मान के साथ सबके साथ पेश आए हैं, मेरे तो ये सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत हैं और इनका मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूं। इन्होंने जो हरियाणा के अंदर कायम करा, पहले तो ये बात मैं कह नहीं सकती थी लेकिन आज कहते हुए संकोच नहीं होता। ये तो मैंने शुरू से कहा कि बहुत ईमानदार, बहुत ही कर्मठ और पार्टी से जुड़े हुए नेता ऐसे लोग कम होते हैं। और सच्चाई ये है कि जो ये खर्ची पर्ची वाला सिस्टम जो है, ये जो हमारे युवकों के लिए जो खत्म करा, ये बहुत ही जबरदस्त सराहनीय कदम। आज हमारा युवक जो है देख रहा है हमारी तरफ और उसको चाहिए इस तरह का नेतृत्व जो बिना खर्ची और पर्ची के साथ जिसको नौकरी मिले और जो आगे बढ़े। और मैं इसके लिए मनोहर लाल जी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूं। नायब सैनी साहब हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, अब तो मैं भी जो है ये जो है गेरवे रंग के अंदर रंग गई लेकिन ये रंग जो है आपको बताऊं मैं, ये चौधरी बंसीलाल जी का भी रंग था। और हमेशा मैंने तो दिल्ली की जब राजनीति करी, सुरेंद्र सिंह जी और बाऊजी एक ही बात बताया करते थे, मनोहर लाल जी जैसे श्रुति ने कहा, मनोहर लाल जी ने और हमारे तेजस्वी जो हैं प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने बंसीलाल जी के साथ काम करा हुआ है, वो उनकी बातें अभी हम बैठे हुए थे अंदर कमरे में तो सारी बातें जो है बता रहे थे। तो जिस तरह से इन्होंने काम करा है, जनता के हित के लिए करा है, ईमानदारी के साथ करा है और चौधरी बंसीलाल जी का जो है हर तरीके से जो उनका नेतृत्व रहा है, आप लोगों ने जिस तरह से हरियाणा विकास पार्टी का विलय 20 साल पहले कांग्रेस पार्टी के अंदर हमने करवाया था, आज मैं आप सबसे आह्वान करती हूं कि नियत ईमानदारी के साथ आज हम यहां पर तिरंगा झंडा छोड़कर और दोबारा से कांग्रेस का झंडा हाथ वाला
तिरंगा वो राष्ट्रीय झंडा नहीं, हाथ वाला झंडा छोड़कर जिसके तले हमने बहुत मेहनत ईमानदारी के साथ काम करा है, आज भाजपा का झंडा जो है वो परचम जो है भाजपा का जो ये जो है हमारा नारंगी रंग का, इसको हम लेकर जाएंगे और अंतिम क्षण तक हमने वो काम करके दिखाना है कि आज जो मान सम्मान हमारे को ये नेतृत्व जो बैठा है उन्होंने दिया है कि हम हरियाणा के वो तगड़े सिपाही हैं कि आने वाले समय में भारी से भारी बहुमत के साथ हरियाणा के अंदर तीसरी बार भाजपा का परचम लहराएगा। आज मुझे क्षमा करना, मैं किसी को बुला नहीं पाई क्योंकि आज एकदम ये कार्यक्रम हुआ आप देख रहे हैं, लेकिन जैसे मनोहर लाल जी ने और नायब सैनी साहब ने कहा कि अलग से प्रोग्राम करेंगे और ये सदस्यता ग्रहण वाला प्रोग्राम नहीं होगा, ये भाजपा को मजबूत करने का प्रोग्राम होगा। सदस्यता आज वो कहते हैं ना हाथी के पैर में सबका पैर, तो सदस्यता हम सबकी ग्रहण हो गई और आज से हमारा काम शुरू है। चौधरी बंसीलाल जी का नाम लो और भाजपा की नीतियों पे काम करो और शीर्ष नेतृत्व का जो है जय जयकार करो और हरियाणा के कोने कोने से आए जो आज मेरे यहां पर मैं कार्यकर्ता देख रही हूं, अपने अपने इलाके के अंदर जाओ और शुरू हो जाओ, तभी जो है चौधरी सुरेंद्र सिंह जी और चौधरी बंसीलाल जी को सच्ची श्रद्धांजलि हम लोग दे पाएंगे। आज आखिरी में एक ही बात कहूंगी कि बहुत ईमानदारी के साथ हम ग्रास रूट वर्कर की तरह भाजपा को मजबूत करने के लिए करेंगे काम और जहां पे भी हमारा उपयोग करें, राजस्थान हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, वेस्टर्न यूपी हो, हम तैयार हैं और एक मजबूत कार्यकर्ता के नाते जो है आपको मैं विश्वास दिलाती हूं, मैं और श्रुति और मेरे सारे के सारे लोग जो आज यहां पर हैं और जो अनगिनत लोग जो आज नहीं आए और जो देख रहे हैं आज, सारे के सारे भाजपा को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। लड्डू खा के जाना सारे। बैठ जाओ लड्डू मिले। Yeah.